हर अपराधी को ये लगता है कि उसने तो परफेक्ट क्राइम किया है, वो कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अपराधी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने वाकई में अपने प्लान को पूरी तरह से एग्जीक्यूट भी कर लिया था। अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद वो 15 सालों तक पुलिस की नजरों से बचा रहा। सोचिए, उस व्यक्ति ने जिस स्त्री के साथ जन्म जन्म के रिश्ते निभाने की कसम खाई थी, केवल गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के चक्कर में उसने अपनी उस कसम का ही गला घोट दिया। इतना बड़ा अपराध करने के बाद शांत होकर बैठ गया। लेकिन जब पकड़ा गया तो उसे सबसे ज्यादा हैरानी इसी बात की हुई कि आखिर वो पकड़ा कैसे गया। मेरा ख्याल है कि आप भी इस बात को जानना चाहेंगे कि आखिर 15 साल बाद ये आरोपी किस तरह पकड़ा गया। तो हमारे साथ वीडियो में आखिर तक आप बने रहिए। वो बेंगलुरु में एक कॉल सेंटर एम्प्लॉय था जिसे बीते 15 सालों से उसकी पत्नी, दो बच्चे, ऑफिस के सभी कलीग उसे प्रवीण भटेले के नाम से जानते थे। लेकिन 23 अक्टूबर साल 2018 को रात 11 बजे दो मेहमान उससे मिलने के लिए आए और आते ही उससे कहा, हेलो मिस्टर तरुण। ये नाम सुनकर वो व्यक्ति बुरी तरह चौंक गया, पर उसने उन लोगों से हाथ भी मिला लिया। लेकिन उससे मिलने के लिए जो दो लोग आए थे, उन लोगों में से एक व्यक्ति ने उससे हाथ मिलाया और हाथ मिलाने के दौरान उसके हाथ की उंगलियों को टटोलने लगा। उस व्यक्ति के हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई थी। इसके बाद सामने वाले को यह कंफर्म हो गया कि यही व्यक्ति तरुण है। इसके बाद बात आगे बढ़ी और उन्होंने कहा, चलिए मिस्टर तरुण, अहमदाबाद में आपका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इसके बाद वो तीनों कॉल सेंटर की बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं और पुलिस वैन में बैठकर अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं। प्रवीण को साथ लेकर जाने वाले वो दोनों अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर थे जो 24 अक्टूबर की रात प्रवीण को लेकर बेंगलुरु से अहमदाबाद के लिए चले। आइए आज से 15 साल पहले के समय में चलते हैं। इस घटनाक्रम के फ्लैशबैक में तरुण और सजनी दोनों की फैमिली केरल से बिलोंग करती थी। कामकाज की तलाश में सजनी के मदर फादर गुजरात के अहमदाबाद आ गए और यहीं बस गए, जबकि तरुण जैन के पिता मध्य प्रदेश के एक स्कूल में फिजिकल ट्रेनर के तौर पर काम करते थे। तरुण के भाई की नौकरी अहमदाबाद में लगी और वो भी अपने भाई के साथ अहमदाबाद में आकर रहने लगा। इसके बाद केरल के ही कुछ लोगों के माध्यम से तरुण और सजनी की शादी फिक्स हुई। दिसंबर 2002 को तरुण और सजनी एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए शादी के बंधन में बंध गए। गुजरात के अहमदाबाद में तरुण जिन राज अपनी पत्नी सजनी के साथ रहा करता था। सजनी अहमदाबाद के एक बैंक में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर कार्यरत थी और तरुण जिन राज वहीं के एक स्कूल में वॉलीबॉल का कोच था, इसलिए उसे स्कूल के बच्चों की टीम के साथ मैच के सिलसिले में शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। तरुण जब भी बाहर जाता था तो वो अपनी पत्नी से कह देता था कि घर में तुम अकेले मत रहना, अपने मायके चली जाना। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। 5 फरवरी 2003 को सजनी अपने मायके आ गए। इनकी शादी को 3 महीने हुए थे और साल 2003 का वैलेंटाइन डे आने वाला था। सजनी मायके से अपने ससुराल के लिए निकलती है और चलते वक्त अपने पिता से पेट्रोल के लिए पैसे मांगती है। तब पिता को झटका लगता है कि उनकी बेटी के पास गाड़ी में पेट्रोल चलाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। अपनी बेटी से पूछते हैं कि तुम्हें दामाद जी ठीक से तो रखते हैं ना? तब सजनी इस पर कुछ देर के लिए चुप हो जाती है, फिर बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यही सजनी की अपने माता पिता के साथ मुलाकात आखिरी साबित हुई। इसके बाद 14 फरवरी 2003 का दिन आता है जब शाम के लगभग 7 बजे के करीब सजनी अपने बहन से बात करती है। ये बातचीत सामान्य बातचीत की तरह थी और केवल 10 से 15 मिनट की बातचीत ही थी। लेकिन इस घटना के 2 घंटे बाद सजनी के मायके में एक कॉल आती है। वो कॉल उनके दामाद तरुण की थी। वो तत्काल सभी लोगों को हॉस्पिटल बुला रहे थे। जब लोग वहां पहुंचे तब तक सजनी की मौत हो चुकी थी। उसके अपने दुपट्टे से गला घोटकर उसकी हत्या की गई थी। घर का सामान बिखरा था और कुछ ज्वेलरीज गायब थी। तरुण कह रहा था कि वो अक्सर सजनी से कहा करता था कि घर में अकेले मत रहा करो, किसी लुटेरे ने सजनी को मार दिया है। पुलिस आई और अपनी कार्यवाही करने लगी। सजनी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और अगले दिन सजनी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तरुण की हालत अब बहुत ज्यादा खराब थी, इस वजह से उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार तरुण के बड़े भाई ने किया।
इसके बाद तरुण सदमे में चला गया और उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 16 फरवरी को तरुण के बड़े भाई ने पुलिस को फोन किया और ये जानकारी दी कि तरुण हॉस्पिटल से भाग गया है। पुलिस की लापरवाही का नतीजा सामने था, लिहाजा उस पर प्रशासन और मीडिया का भी प्रेशर बढ़ता चला गया। तरुण को खोजने की काफी कोशिश की गई लेकिन वो नहीं मिला। साल 2006 में सजनी के माता पिता ने इस मामले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। तब नरेंद्र मोदी ने पुलिस को इस मामले में गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए और तरुण को पकड़ने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। उस पर 1,00,000 रुपयों का इनाम रखा गया। यहाँ तक कि तरफ का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके माता पिता को भी डिटेन किया और कुछ दिनों तक उन्हें भी जेल में रहना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद तरुण का कोई पता नहीं चला। जब इन्वेस्टिगेशन की तो ये फैक्ट निकलकर सामने आया कि तरुण अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था। शादी से पहले ही उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर था। पुलिस ने उस लड़की का पता लगाया और उससे पूछताछ की तो लड़की ने बताया कि 16 फरवरी को तरुण ने उसे फोन किया कि चलो अब हम लोग शादी कर लेते हैं। लेकिन लड़की को तब तक सजनी की मौत की खबर लग चुकी थी, इसलिए उसने कहा कि मैं कातिल के साथ शादी नहीं कर सकती। उसने मना कर दिया। पुलिस की लड़की का बयान सच पाया गया। इस घटना के 6 साल बाद तरुण के माता पिता केरल गए तो जानकारी के मुताबिक तरुण उनसे वहां मिला था। तरुण के माता पिता ने तरुण को बताया कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। इस मुलाकात के अगले दिन तरुण के पिता की भी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच करती रही। साल 2016 में एक नया अधिकारी ने इस मामले को एक नए सिरे से खंगालना शुरू किया तो पता लगा कि तरुण की माँ अब मंदसौर में रहती है। पुलिस ने तरुण की माँ के कॉल डिटेल खंगालने शुरू किए तो उन्हें पता लगा कि बेंगलुरु के एक लैंडलाइन नंबर से उनके पास फोन आता है। वो नंबर ओरेकल कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर था। पुलिस को इस बात पर शक हुआ कि आखिर एक रिटायर्ड नर्स और कंपनी के कस्टमर केयर से क्यों बात कर रही है। पुलिस ने जांच पड़ताल आगे बढ़ाई और एक टीम को बेंगलुरु भेजा। बेंगलुरु पहुंची टीम ने ओरेकल कंपनी से उसके एम्प्लॉयज की लिस्ट मांगी। उसमें तरुण जिन राज का नाम तो नहीं था लेकिन एक ऐसा नाम था जो पहले भी पुलिस की नजरों में आ चुका था और वो नाम था प्रवीण भटेले का, जिससे तरुण की माँ बात किया करती थी। इसके अलावा प्रवीण भटेले की पत्नी निशा भी तरुण की माँ से बात करती थी। तब पुलिस को शक हुआ कि प्रवीण भटेले ही तरुण जिनराज हो सकता है। तब पुलिस ने बेंगलुरु के लोकल पुलिस से संपर्क किया और तरुण को ओरेकल कंपनी के मीटिंग हॉल में बुलवाया और पुलिस के 2 अधिकारी उससे मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं और उसे तरुण कहकर संबोधित करते हैं। हाथ मिलाते वक्त वो उसकी उंगलियों को टटोलते हैं क्योंकि तरुण के बारे में जानकारी थी। एक मैच के दौरान उसके रिंग फिंगर टूट गई थी। तमाम कॉन्वर्सेशन के बाद पुलिस तरुण को लेकर अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाती है। तरुण ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उसने गर्लफ्रेंड से शादी करने के चक्कर में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। दिल्ली में एक कॉल सेंटर में वो जॉब करने लगा। इसके बाद वो पुणे आ गया, यहाँ भी जॉब किया। इसी बीच उसके निशा नाम की लड़की से शादी भी हुई और फिर उसने बेंगलुरु में ओरेकल कंपनी में जॉब की। तरुण का एक स्कूल का दोस्त हुआ करता था प्रवीण भटेले, जो कोचिंग सेंटर चलाया करता था। तरुण इसके पास पहुंचा और दोस्ती की आड़ में उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज स्कैन कर लिए और उसके बाद उन पर अपनी फोटोज लगाकर तरुण से प्रवीण बन गया। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कॉमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।